बाइक मतलब गिर गई, तो गिरने के बाद क्या होता है, हमारी बाइक के अंदर एक लीन एंगर सेंसर लगा होता है। पूरी चाबी बंद कर दूंगा फिर भी ये ऑन रहेगा। अपनी गाड़ी 30 पे चल रही है और मैं तो व्हाट इज अप गाइस, दिस इज कुनाल एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और भाई आज की व्लॉग स्टार्ट हो रही है 7:01 पे, और इस वीडियो के थंबनेल टाइटल से तुम लोग समझ चुके होगे ये वीडियो होने वाली है टॉप सिक्स सेफ्टी फीचर्स ऑफ न्यू 390। तो भाई आज था सैटरडे और मेरा बहुत राइड पे जाने का दिल था, संडे को तो हम वैसे ही जा रहे हैं कल, लेकिन मैंने सोचा आज भी चलते हैं। मैंने कहा आज जाते हुए एक क्यों ना टॉप सिक्स सेफ्टी फीचर्स ऑफ न्यू 390 वीडियो शूट कर ली जाए। तो भाई आज तुम्हें देखने को मिलेगी सेफ्टी फीचर्स के ऊपर, इसके अंदर कुछ कुछ ऐसे सेफ्टी फीचर होंगे एक या दो जो कि तुमने अभी तक तुम्हें शायद पता ना हो, जो बहुत ही ज़्यादा डाई हार्ड फैन है KTM के ड्यूक के, तो उनको तो पता होंगे, जो नॉर्मल लोग हैं उनको नहीं पता होंगे, तो तुमको वो देखने को मिलेंगे। तो अभी चलते हैं और रास्ते में मिलते हैं। तो भाई तुम लोगों का स्वागत है हमने क्रेटोस पे। तो भाई अभी अपन लोग निकल पड़े हैं, एंड भाई एक तो सब छोटी प्रॉब्लम क्या हुई है, मैंने ये जो ग्लव्स ना मेरे, वो ग्लव्स पता नहीं कहाँ गायब हो गए, पहले वाले कतई गोल हो गए, समझ नहीं आ रहा कहाँ है, तो हमने कल लिए। और इस ग्लव्स के अंदर एक प्रॉब्लम है, इनकी ना लेंथ छोटी लग रही है, मतलब मेरे हाथ ना पूरे आगे इसके कारण पहुँच नहीं पा रहे क्लच और ब्रेक तक अच्छे से, तो अब ये चेंज कराने पड़ेंगे। एंड नेक्स्ट थिंग कि क्या नाम, अपन लोगों को तुम लोगों को सेफ्टी फीचर्स बताने के। और भाई जब तुम इतनी महंगी बाइक ले ले हो, भाई अगर तुमने बाइक ली है, अरे यहाँ से चल ठीक है यहीं से चलते हैं, अगर तुमने बाइक ली है भाई 3.5 लाख की तुम बाइक ले रहे हो, तो तुमको उसके अंदर सेफ्टी फीचर्स ऑब्वियसली चाहिए ही चाहिए। तो भाई अपनी बाइक के अंदर भी सेफ्टी फीचर्स हैं, तो अभी अपन लोग थोड़ा मेन रोड पर आ जाएँ और अच्छी खासी रोड पर आ जाएँ, फिर अपन लोग तुम लोगों को सेफ्टी फीचर नंबर 1 से इंट्रोड्यूस कराते हैं, ठीक है। तो भाई अपन लोगों से एक सबसे पहली गलती तो ये हो गई कि भाई मैं मफलर लाना भूल गया, ठंड हो रही है गले पे, इतनी ठंडी हवा पड़ रही है पूछो मत। और एक मैंने बकलावा नहीं पहना, बकलावा पहन लेता मैं तो भाई और ठंडी हवा ना लगती, भाई ऐसी चिल्ड चिल्ड हवा लग रही है, हालत ख़राब। तो भाई चलो अब हम बात करते हैं ड्यूक 390 के सेफ्टी फीचर्स की। तो भाई सेफ्टी फीचर नंबर 1 है हमारी ड्यूक 390 का, कि भाई ये तुम लोगों को, कुछ लोगों को पता होगा कुछ को नहीं पता होगा। तो भाई इसके अंदर क्या होता है, जब तुम्हारी बाइक जैसे चल रही है ठीक है, या तुम्हारी बाइक मतलब गिर गई, तो गिरने के बाद क्या होता है, हमारी बाइक के अंदर एक लीन एंगर सेंसर लगा होता है, और जैसी बाइक गिरती है ना तो वो अपने आप उसको सेंस कर लेता है और बाइक को बंद कर देता है, और उसके बाद तुम बाइक स्टार्ट करना चाहोगे तो बाइक डायरेक्टली स्टार्ट नहीं होगी, तुम्हें एक बार किल स्विच ऑफ करके या तो ऑन करना पड़ेगा या तो चाबी ऑफ करके ऑन करनी पड़ेगी। और भाई मैं नहीं चाहता कि मैं तुम लोगों को ये एग्जांपल दिखाऊं, क्योंकि ये एक डेंजरस चीज़ है। भाई बीच में बात करनी बंद करनी पड़ती है जब बाइक भगानी हो तो। भाई यहाँ पे ना भगाने का डर ये है कि ये जैसे आप पीछे देख रहे हो गायें आ गई, तो भाई गायें आ गई ना तो फिर तुम गए यार। यहाँ पे ना स्टेडियम के अंदर ले जाके मैं तुम लोगों को एक्सप्लेन करूँगा थोड़े बहुत सेफ्टी फीचर्स, मतलब स्टेडियम का रास्ता किधर है, अपन लोग स्टेडियम पार तो नहीं कर गए कहीं। अरे यार बातों में स्टेडियम पार हो गया क्या? तो भाई स्टेडियम पार नहीं हुआ, स्टेडियम यहीं पे है, अपन लोगों को स्टेडियम मिल गया। यहाँ पे लोग गाड़ी सीखने आते हैं, सब करने रहता ही, तो अपन लोग तो यहाँ कॉर्नर में रोक के तुम लोगों को एक्सप्लेन कर सकता है। मैं तो सोच रहा हूँ इसी डिवाइडर के ऊपर चढ़ा दूँ मैं ऐस की यहाँ। तो भाई ये देख लो, ये है यहाँ का राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम, यहीं पर वो इंडियन लेजेंड्स वाला मैच भी हुआ था। मैं सोच रहा हूँ ये इसके ऊपर चढ़ा ही देते हैं, देखी जाएगी, सेंटर में खड़े होके बनाएंगे वीडियो, है ना भाई, यहाँ खड़ी करते हैं और बनाते हैं वीडियो बाइक की। तो भाई देख लो बाइक अपनी ये खड़ी हुई है, और ये आगे से कितना प्यारा लग रहा है रेड कलर का, अगर मैं ये खोल दूँ तो अभी नज़र नहीं आएगा तुम्हें इतना ज़्यादा, लेकिन देखो इतना प्यारा और सेक्सी लग रहा है ना देखने से। तो भाई आ जाओ हम सेफ्टी फीचर्स की बात कर रहे थे, तो सबसे पहला सेफ्टी फीचर इसका ये है कि जैसे मेरी बाइक अभी स्टार्ट हो समझो ठीक है, और मेरी बाइक नीचे गिर जाती है या कुछ हो जाता है ऐसा भगवान ना करे, तो क्या होगा, मेरी बाइक ऑटो कट ऑफ हो जाएगी, यानी कि अपने आप
गाड़ी बंद हो जाएगी, उसके बाद स्टार्ट नहीं होगी, या तो मुझे इंजन किल स्विच यूँ करके यूँ करना पड़ेगा या तो चाबी बंद करके खोलनी पड़ेगी तब जाके स्टार्ट होगी। तो ये है पहला सेफ्टी फीचर, ठीक है। और भाई अगर अब हम सेफ्टी फीचर नंबर टू की बात करने जाएँ तो सेफ्टी फीचर नंबर टू है इसकी हेडलैम्प ऑन रहेगा अगर आपकी गाड़ी बंद भी हो जाती है तो। तो भाई इसका एग्जांपल मैं तुम लोगों को अभी दिखाता हूँ, ये देखो अभी तुम लोगों को दिखेगा, दिखे ना दिखे, अभी देखो अभी हेडलैम्प बंद हो रखा है पूरा, ये देखो ठीक है, ये हेडलैम्प देखो तुम लोगों को पूरा बंद दिख रहा है। अभी मैं ये खोल रहा हूँ तो देखो ये तुमको हेडलैम्प ऑन दिख गया, देखो ये हेडलैम्प ऑन है ठीक है, ये हाई बीम है, ये लो बीम है और ये कता ही बंद हो गया ठीक है। तो अभी ये हेडलैम्प ऑन है, अब मैं तुम लोगों को दिखाऊंगा, तुम लोग देखना कि जैसे मैं गाड़ी पूरी बंद कर दूंगा, किल स्विच भी नहीं, मैं पूरी चाबी बंद कर दूंगा फिर भी ये ऑन रहेगा हेडलाइट। तो देखो जैसे समझो मैं बाइक चला रहा हूँ और चलाते चलाते मेरे को ऐसे करना पड़ गया, ये देखो ठीक है, और ये गाड़ी की चाबी बंद है पूरी और ये गाड़ी रुक गई, ये मैंने लगाया स्टैंड और अभी भी इसकी लाइट जल रही होगी, ये तुम देख सकते हो, ये देखो ये लाइट जल रही है। तो ये सेफ्टी फीचर है भाई इसके अंदर कि जैसे कभी तुम किसी पहाड़ पे हो या कहीं रास्ते में हो और तुम्हारी गाड़ी बंद हो जाती है ठीक है, तो तुम्हारी हेडलाइट जलती रहेगी जो कि एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है ताकि तुम लोगों को दिख सके या आने जाने वाला कोई तुम्हारी हेल्प कर सके, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है इसके अंदर। अब थर्ड फीचर है इसका स्टैंड के ऊपर, ये तो काफ़ी लोग जानते हैं KTMs के अंदर बहुत पहले से है, अगर इसका स्टैंड जो कि खुला हुआ है तो तुम्हारी बाइक चलेगी नहीं, लोग दो चीज़ें बोलते हैं, एक स्टार्ट नहीं होगी, स्टार्ट हो जाती है चलती नहीं है। तो मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ, रेडी टू रेस, अभी अपनी गाड़ी सेकेंड गियर में है, अभी मैं अपनी गाड़ी को न्यूट्रल कर दिया ठीक है, तो अभी अपनी गाड़ी हो गई न्यूट्रल में, अभी देखो ये स्टार्ट हो गई, स्टैंड लगा हुआ है, बाइक स्टार्ट हो गई। अब लोग कहेंगे भाई स्टैंड लगे हुए स्टार्ट हो गई तो चल भी जाएगी, नहीं भाई ऐसा नहीं होता। अब इसका रीज़न मैं तुम लोगों को बताता हूँ। तो भाई इसका रीज़न सिंपल ये है कि बाइक हमें कभी कभी कोल्ड स्टार्ट करनी पड़ती है। कोल्ड स्टार्ट क्या हुआ, जैसे बाइक तुम्हारी खड़ी हुई है और तुम बाहर उसे निकालते हो, तो जैसे ही तुम बाहर निकालोगे बाइक को तुम एक बार स्टार्ट करनी पड़ेगी ऐसी, उससे क्या होगा कि बाइक का जो इंजन है थोड़ा सा गर्म हो जाएगा, वार्म अप हो जाएगा, तो उसके लिए होता है ये। लेकिन अगर जैसे मैंने ये डाल दिया फर्स्ट गियर, देखो बंद हो गई, फर्स्ट गियर डालते सार बंद हो गई, तो ये सेफ्टी फीचर बहुत अच्छा है भाई, क्योंकि लोगों का स्टैंड खुला होता है और लोग गिर जाते हैं और भाई फिर तो चोट लगती लगती है, या तुम्हारी बाइक खड़ी हुई है स्टैंड के ऊपर न्यूट्रल में और किसी बच्चे ने आके गियर डाल दिया तो तुम्हारी गाड़ी ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगी, चलेगी ही नहीं। तो भाई ये सबसे बेस्ट फीचर है किसका, एंड भाई तुम व्यू देख लो, क्या ज़बरदस्त पहाड़ों का यहाँ से व्यू आ रहा है, मैं तो सोच रहा हूँ एक बाइक ऐसे सेंटर खड़ी करके ना थंबनेल लें, बहुत ही बढ़िया गजब वाली। तो भाई देखो हम इतने प्यारे स्पॉट पे हैं ना, ये मतलब ये स्पॉट इतना प्यारा लग रहा है ना, ये देखो तुम और ये देखो तुम, क्या गजब लग रही है, मतलब देखने से इतनी ज़्यादा एपिक मज़ा आ रहा है देख के। और यहाँ पे ये देखो तुम, ऊपर देखोगे तो वो मतलब A1। अब मैं सोच रहा हूँ कुछ सिनेमैटिक शॉट्स लेता हूँ, तो अब तुम सिनेमैटिक शॉट्स देखो जरा। Every little thing you do, it gets me thinking. Buy another shot, you got me drinking. Girl, you shut me down and there's no witness. Got me in my feels, she would never listen. All the alcohol is in my liver. I guess I lost and you're the winner. Missing your touch, you were a good kisser. I was born a saint, but now I'm a sinner. Falling for you. तो भाई एक और सेफ्टी फीचर इसका ये है कि भाई ये फीचर ना काफ़ी बाइक्स में होता है, लेकिन कुछ कुछ बाइक्स में मैंने देखा है होता भी नहीं है फीचर, तो मैंने सोचा क्यों ना भाई इसे लिस्ट में ऐड ही कर लेते हैं। तो एक सेफ्टी फीचर ये है कि भाई तुम देखो मेरी गाड़ी है अभी फर्स्ट गियर के अंदर, मैं तुम लोगों को ऐसे बैठ के दिखाता हूँ, चलो देखो अभी मैंने गाड़ी डाली ये न्यूट्रल के अंदर, अभी मेरी गाड़ी है न्यूट्रल के अंदर, मैं एक टच दबाऊंगा मेरी गाड़ी स्टार्ट हो गई विदाउट क्लच
ठीक है, अभी ये मैंने गाड़ी बंद करी। अब क्या हुआ, जैसे तुम कहीं खड़े हुए हो, ठीक है, फर्स्ट गियर पे तुम्हारी गाड़ी बंद है और कोई आता है, किसी बच्चे ने ये दबा दिया तो गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। तो एक सबसे बड़ा रिलीफ यही है कि गाड़ी स्टार्ट होती ही नहीं है ऐसी कंडीशन में। अगर आपको करना है तो क्लच दबाना पड़ेगा। तो भाई ये देखो, ये स्टार्ट नहीं हो रही, अभी थोड़ा सा क्लच दबाया तब भी नहीं हो रही, थोड़ा ज़्यादा दबाना है तब जाके ये स्टार्ट होगी, ठीक है। और अगर अब हम नेक्स्ट सेफ्टी फीचर की बात करें तो उसके लिए एक बार मेरे को गाड़ी न्यूट्रल पे ही करनी पड़ेगी। ये न्यूट्रल पे है, अभी देखो नेक्स्ट सेफ्टी फीचर जो है, अब तो काफ़ी बाइक्स में आता है वो ABS। तो ABS क्या होता है, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, तुम्हारी गाड़ी स्किड होने से बचाता है। अब तुम लोगों को कैसे पता चलेगा तुम्हारी बाइक के अंदर ABS है या नहीं है, ये जो पट्टी देख रहे हो तुम, ये मेटल की है रिंग, ये रिंग होती है ABS की, पीछे भी है एंड आगे भी है, यानी कि डुअल चैनल ABS है। तो ABS क्या करता है, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम तुम्हारे टायर्स को जाम होने से बचा देता है, मतलब जाम नहीं होने देता तुम्हारे टायर्स को। अभी हम इसका एग्जांपल तुम्हें दिखाते हैं, मैं दोनों ब्रेकें पूरी दबा दूंगा और मजा ले हमारी गाड़ी स्किड कर जाए। तो भाई पहले तो पीछे देख लो, कोई नहीं है। अब देखो अपनी गाड़ी 30 पे चल रही है और मैं दोनों ब्रेकें पूरी दबा दी। भाई क्या खतरनाक ब्रेक की बाइट है, देखो दोनों ब्रेकें पूरी दबाने पे भी गाड़ी बिल्कुल भी स्किट नहीं करी, बिल्कुल भी। देख लो कहीं पे भी कोई स्किट मार्क्स नहीं दिख रहे, तो मैं गाड़ी ने पूरी, जैसे ABS का यही काम है, जैसे ही टायर स्किट होने वाला होता है ना, ABS 0.1 सेकंड को ब्रेक छोड़ता है और तुम्हारी ब्रेक को वापस दबा देता है। तो उससे यही फ़ायदा होता है कि भाई तुम्हारी गाड़ी का टायर फिसलता नहीं है। अब यही तुम्हारा चलेगा उसके अंदर गीली सड़क पर भी, तो गीली सड़क पर भी तुम्हारा बहुत फ़ायदा रहता है। तो एक कॉन्फिडेंस देता है अलग तरीके का ये, एंड प्लस बजरी में भी तुम लोगों को कॉन्फिडेंस मिल जाएगा, लेकिन बजरी में तुम्हारा ये टायर वैसे ही अपने आप ही ज़्यादा स्किट करेगा। एंड अगर अब हम नेक्स्ट चीज़ की बात करें तो नेक्स्ट चीज़ है इसके अंदर स्लिपर क्लच। लेकिन उससे पहले तुम्हें ABS की एक और चीज़ बता दूँ, ABS के अंदर एक प्रॉब्लम ये है कि अगर तुम बहुत ही ज़्यादा मतलब ऑफ रोडिंग पे जाओ तो ऑफ रोडिंग में ABS तुमको बंद करना पड़ेगा। अब जिस गाड़ी के अंदर फीचर है तो उसके लिए तो बहुत फ़ायदा है, जैसे अब हमारी ड्यूक 390 के अंदर सुपर मोटो नोड नाम की एक चीज़ है, तो उसके अंदर बड़ा फ़ायदा हो जाता है कि तुम लोगों को पीछे का ABS बंद करना बंद हो जाता है। तो उससे फ़ायदा ये है कि भाई उस कंडीशन में ना अगर तुम ब्रेक मारोगे तो ABS तो ट्राई करेगा कि तुम्हारा पिछला टायर जाम ना हो, लेकिन वो इतनी ज़्यादा ऑफ रोडिंग के अंदर ऐसी गीली मिट्टी होगी ना कि तुम्हारा टायर फिसलेगा ही फिसलेगा और वो कोशिश करेगा जाम ना, मतलब तुम्हारी ब्रेक्स ही नहीं लगने वाली गाइस। तो मतलब तुम्हारा जो डिस्टेंस मिट्टी में होना चाहिए समझ लो 5 मीटर, वो एक्चुअल में तुम्हारा बन जाएगा 15-20 मीटर तक, तो ये गड़बड़ है। और वैसे एक्चुअल में अगर तुम नॉर्मल पर मारोगे तो जो तुम्हारा डिस्टेंस होगा 10 मीटर, वो ABS तुम्हें बना देगा 5-6 मीटर बिना गिरे। तो ABS का ये फ़ायदा है। अब अगर हम नेक्स्ट फीचर पे चलते हैं तो नेक्स्ट फीचर है इसका स्लिपर क्लच सेफ्टी फीचर। अब स्लिपर क्लच लोग कहेंगे सेफ्टी फीचर कैसे है, भाई स्लिपर क्लच सेफ्टी फीचर है। अब मैं स्लिपर क्लच का तुम्हें डेमोंस्ट्रेशन क्या करके दिखाऊं। देखो स्लिपर क्लच के अंदर क्या फ़ायदा है तुम लोगों का, जैसे अभी मैं अपनी बाइक चला रहा हूं, अब मैं अपनी बाइक जैसे समझ लो चला रहा हूं 30 की स्पीड पे थर्ड गियर पे, ये सेकंड डाला, ये थर्ड डाला, और मैं एकदम से ये देखो डाउन शिफ्ट किया, फर्स्ट पे भी आ गया। तो ये जो घूम घूम नहीं करा ना, ये स्लिपर क्लच था। तो ये स्लिपर क्लच ने इसके अंदर क्या मेरी हेल्प करी, भाई स्लिपर क्लच ने ना मेरे इंजन को कोई हार्म नहीं होने दिया। जैसे ही मेरा गियर डाउन शिफ्ट हुआ, वो जो क्लच का चीज़ होती है ना, वो पटक करके वहाँ से स्लिप हो गई, जिससे मेरा इंजन डैमेज नहीं हुआ। तो स्लिपर क्लच उसके नाम से ही दर्शाता है कि वो स्लिप हो जाता है, तो बहुत अच्छा फीचर है। तो भाई ये थे टॉप 6 फीचर्स, सेफ्टी फीचर्स ऑफ ड्यूक 390। तो मुझे जरूर कमेंट करके बताना क्या क्या फ़ीचर तुम्हें पता थे, क्या क्या फ़ीचर तुम लोगों को नहीं पता थे, ठीक है। बाकी तुम एक बार ये लास्ट टाइम व्यू देख लो, लास्ट टाइम क्या, कभी ना कभी तो दोबारा आएंगे ही आएंगे यहाँ वीडियो बनाने, तब और बढ़िया व्यू दिख जाएगा। तो भाई ज़रूर बताना ये वीडियो कैसी लगी, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। Turn it on.